बच के चलना पड़ेगा वरना हड़बड़ाया तो नीचे गिर जाऊंगा। और ये सब बिल्कुल दलदल है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द गोवा। तो आज मैं गोवा के पंजिम डिस्ट्रिक्ट में हूँ। तो आज मैं आपको ऐसी जगह लेके चल रहा हूँ, अगर आपने रोबोट 2 मूवी देखी होगी तो उसमें अक्षय कुमार एक ऑर्निथोलॉजिस्ट का रोल प्ले किए थे। जब ये मूवी मैंने देखा था तो मुझे भी ऐसा लगा था कि काश कभी अगर वो जगह मैं देख पाऊँ, उनकी मेहनत में देख पाऊँ। तो उनका जो नाम था डॉक्टर सलीम अली। तो आज मैं उसी जगह को देखने जा रहा हूँ। और कभी अगर आप गोवा हैं तो बीच के अलावा आप इन जगह को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और इस जगह पर भी आप घूम सकते हैं, जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो पंजिम बस स्टैंड से आपको रविंदर फेरी आना पड़ेगा। रविंदर फेरी से फिर आपको नदी क्रॉस करके आपको दूसरे साइड जाना पड़ेगा, अगर सलीम बर्ड सेंचुरी अगर आपको जाना है तो। तो मैं पहली बार फेरी में बैठूंगा और देखता हूँ कि कितना क्या रेट है इनका। थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो रहा कि फेरी में पहली बार मैं बैठने जा रहा हूँ। तो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से है और उस और जाना है, मतलब वो गांव जाना है। कौन सा गांव है भैया, वो कौन सा गांव है? शर्मा। शराव। ओहो, तो ये मैं पहली बार बिल्कुल फेरी में बैठने जा रहा है। अच्छा लग रहा है। ओहो, डॉक्टर सलीम अली जी का जो पीरियड था लगभग 1896 से लेकर 1987 तक था। फोर व्हीलर को क्रॉस करने के लिए 10 रुपए हैं और टू व्हीलर को क्रॉस करने के लिए फ्री है। तो अब हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। वैसे डॉक्टर सलीम अली जी का बहुत बड़ा नाम है, वो बहुत बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं और नेचुरलिस्ट हैं वो। तो अगर आप जैसे यहाँ पर एंट्री करते हैं तो आपका 30 रुपीज़ का टिकट रहेगा अगर आप स्टूडेंट हैं तो, और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो आपका 100 रुपीज़ चार्ज रहेगा यहाँ पर। ओहो, तो ये जो पहले जो था ये एक मैनग्रोव था। तो मैनग्रोव वो चीज़ होते हैं जो मतलब सलाइन वाटर में भी ग्रो कर जाते हैं, तो उन्हें मैनग्रोव कहा करते थे। लेकिन बाद में इसका नाम जो है वो डॉक्टर सलीम बर्ड सेंचुरी रख दिया गया नाम। तो जैसे आप एंट्री कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि मैनग्रोव ड्वेलर्स। ओहो यार, वैसे नॉर्थ गोवा इज द बेस्ट, मतलब कि बहुत बेस्ट है साउथ गोवा से। अभी साउथ गोवा तो नहीं गया लेकिन मैंने मतलब पढ़ा है कि नॉर्थ गोवा जो है वो क्यों बेस्ट है, क्योंकि नॉर्थ गोवा में आपको ज़्यादा ग्रीनरी मिलेगा देखने के लिए और बहुत फेमस बीच जो है आपको गोवा में नॉर्थ गोवा में देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ हायर जो लोग हैं, मतलब जिनके पास जो ज़्यादा पैसे वगैरह रुपये वगैरह, तो वो आपको ज़्यादातर आपको साउथ गोवा मिलेंगे। तो रेल की कनेक्टिविटी भी यहाँ पर है, जैसे थिवीम वगैरह हो गया, आपका परनेम हो गया, तो यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी जो कोंकण रेलवे को जोड़ती है, क्योंकि मडगांव जो वो कोंकण रेलवे की सेंटर मानी जाती है। ओहो, तो इस काम के लिए उनको मतलब बर्ड के ऊपर रिसर्च करने के लिए, बर्ड के लिए आवाज़ उठाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए उनको जो पद्म विभूषण और पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके बाद उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे बर्ड्स के ऊपर कि कैसे, एक तो उनका डेली रूटीन और किस प्रकार के जो इंडिया में बर्ड पाए जाते हैं, तो इस पर भी बुक्स लिखे हैं उन्होंने। देखिए, कुछ जो सुंदरता होती है ना वो नेचुरल होती है ना, वो नेचुरल तरीके से अगर छोड़ा जाए तो ही अच्छी है। जैसे कि अगर कुछ गांव जैसे हो गए, रोड की कनेक्टिविटी ठीक है, ऐसा कोई घर नहीं, लेकिन कुछ जो चीज़ें जो है ना वो लगना भी चाहिए कि गांव जैसा है, आगे चल के गांव वैसे एक म्यूजियम में कैद हो जाएगा। बच के चलना पड़ेगा वरना हड़बड़ाया तो नीचे गिर जाऊंगा। और ये सब बिल्कुल दलदल है, कोई वैसा मिट्टी वगैरह नहीं है। ओहो,
तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसे कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ मैनग्रोव्स, इसे मड लॉबस्टर कहते हैं। मतलब कि ये जो आप पूरा देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, जो ये मतलब कि ये टीला जैसा होता नहीं है टीला, उस तरीके से निकला हुआ, लेकिन ये पूरा तरीके से मड है, कीचड़ है ये, इसे मड लॉबस्टर कहते हैं। ये वेटलैंड बर्ड्स यूडीशर्डो, ये तो मैं नाम ही नहीं जानते। तो लगभग इसका जो इस्टेब्लिशमेंट था 1988 में किया गया था डॉक्टर सलीम अली को श्रद्धांजलि देने के लिए, इस मैनग्रोव का नाम जो है वो चेंज करके डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी रखा गया था। लेकिन इत्तेफाक से मुझे यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का कोई एक बर्ड भी मुझे देखने को नहीं मिला, शायद मेरा बैड लक हो सकता है। वाह यार, ओहो, मैं पहली बार ऐसी जगह पर आया, नहीं पहली बार नहीं कह सकता, लेकिन पहली बार मैनग्रोव वाली जगह पर आया हूँ। इस तरीके से क्या है ना कि जब ओमकारेश्वर में था मैं, तो वहाँ पर भी वो आइलैंड ही था, लेकिन इतना ज़्यादा डेंस जंगल नहीं था वहाँ पर। वहाँ पर इस तरीके से वो पहाड़ था, एक माउंटेन था, लेकिन ये क्या है ना, बिल्कुल सलाइन वाटर में पेड़ पौधे निकले हुए हैं यहाँ पे। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। तो डॉक्टर सलीम अली जो थे वो प्री इंडिपेंडेंट के समय से ही वो बर्ड्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। तो जैसा कि रोबोट मूवी में ये दिखाया गया, रोबोट 2 मूवी में ये चीज़ दिखाया गया कि वो किस तरीके से वो बर्ड उनको अट्रैक्ट करती है अपने तरफ, तो वो थोड़ा सा रियल है। जब आप गूगल पर सर्च कीजिएगा इस चीज़ के बारे में, डॉक्टर सलीम अली के बारे में, तो वो चीज़ वहाँ पर मेंशन है इस चीज़ के बारे में। ओह, ये क्या है, रूट्स दैट ब्रीथ एंड सपोर्ट। ओके, तो इस तरीके के रूट्स आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। इस तो वैसे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपने मानसून के हिसाब से बर्ड्स आती है, लेकिन जो दो है वो मेन, एक के स्टेटेड हेरोन जो ऑस्ट्रेलिया में मेनली पाया जाता है, और एक वेस्टर्न रीफ हेरोन। तो ये बर्ड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रचलित है, और इंडिया में यहाँ पर थोड़े पाए जाते हैं ज़्यादा। आई होप ये कंटेंट आपको अच्छा लगा, और आप इन फ्यूचर में कभी भी अगर गोवा आएँ तो बीच के अलावा अगर अपने बच्चों के साथ कहीं इंटरेस्टिंग जगह जाएँ तो आप ज़रूर इस बर्ड सेंचुरी में और इस आइलैंड पर आएँ। ये आइलैंड भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है अंदर से। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा।